दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो आपकी परवाह करता हो, वरना आप पत्थर जमा करते करते हीरा खो देंगे। चलिए एक कहानी सुनाती, छोटी सी कहानी है। और एक तीर्थयात्रियों से भरी एक बस दर्शन करके वापस आ रही थी, तभी मौसम बदल गया, जोरदार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। ड्राइवर ने बस रोक दी, घबरा गया, सारे यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर ने कहा, हम में से ही कोई एक ऐसा है जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ऐसा करते हैं, सामने जो पेड़ है उसके पास एक एक करके हम सब जाएंगे, उसको छू कर आएंगे। जिसको भी भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं उसके ऊपर अपने आप बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सारे यात्री पेड़ के पास जाने लगे, पेड़ को छू कर वापस भी आ रहे थे, और सबको डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान वही तो नहीं। अंत में बस में सिर्फ एक आदमी बच गया। सब उसको गुस्से से देख रहे थे कि इसी के वजह से हम सब फंसे हैं। फिर वो आदमी भी पेड़ के पास गया, पेड़ को जैसे ही हाथ से छुआ, जोर से बिजली के कड़कने की आवाज आई, लेकिन बिजली उस आदमी पर नहीं बस पर गिरी। यानी उस आदमी की वजह से सारे बस यात्रियों की जान बची हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन्हें जज करने में लगे रहते हैं। जिस दिन हम लोगों को जज करना छोड़ देंगे, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और ज्यादातर लोग हमें अच्छे लगेंगे।